एवरीवन, मैं हूं काजल और आप हैं यूनिग्रो यूट्यूब चैनल पर। जी, आज आपकी मेरे साथ शुरू होने वाली है टेली के न्यू सेशन, न्यू क्लासेस। ठीक है, इसमें आपको ऑनलाइन मोड पे नई क्लासेस यानी कि टेली की नई क्लासेस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं टेली के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो टेली की बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्योंकि इसमें बच्चे मैथ के होते हैं। पहले तो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैथ वाले बच्चे ही टेली सीख सकते हैं या फिर जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो ही टेली सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये डर आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा, तभी आप टेली को सीख सकते हैं। तो आज जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे वो है टेली क्या है, टेली को हम कैसे यूज कर सकते हैं, टेली की हिस्ट्री को जानेंगे और टेली के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे, जिससे कि आप टेली को आगे पढ़ने के लिए आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी और आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे कि आपको आगे टेली करना है और कैसे पढ़ना है। तो पहला आपका जो टॉपिक होगा वो होगा कि व्हाट इज टेली, टेली क्या है, और दूसरा है टेली का फुल फॉर्म। इसमें जो हम जानेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें जानेंगे कि व्हाट इज टेली, टेली है क्या चीज और ये कैसे बनी, टेली फुल फॉर्म। और फिर आता है तीसरा टेली कोर्स ड्यूरेशन, टेली की कोर्स ड्यूरेशन क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, टेली की क्वालिफिकेशंस क्या होती है, टेली कोर्स फीस क्या होता है और जॉब आफ्टर टेली क्या होता है। तो इतने टॉपिक्स को आज हम टेली के अंदर पहले क्लियर करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे आर्ट्स के हैं वो डरे नहीं कि मेरा मैथ्स नहीं है या फिर कॉमर्स नहीं है तो मैं टेली को नहीं पढ़ सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको सिर्फ अंदर डर बैठाने के लिए होती है कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे टेली सीख सकते हैं और या फिर सिर्फ मैथ जिनकी मैथ्स होती है वो ही टेली सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस डर को आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा, तभी आप टेली को सीख पाएंगे। तो कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम टेली की, कि टेली है क्या। तो सभी बच्चे जहां तक इतना तो जानते होंगे कि टेली क्या है और टेली के कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट इज टेली। टेली इज अ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड एंड इज यूज्ड मोर देन 20 लाख बिजनेस अक्रॉस 100 कंट्रीज टुडे। आज जो भी हम जानते हैं टेली के बारे में कि टेली एक पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसको 100 कंट्रीज में 20 लाख से ज्यादा बिजनेस में यूज किया जाता है। टेक्स कंपनीज रिकॉर्ड देयर डे टू डे ट्रांजैक्शन एंड हेल्प टू एनालाइज बिजनेस रिलेटेड डाटा। दिस फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ ईआरपी। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड इज यूज फॉर वेरियस फाइनेंशियल अकाउंटिंग purposes। ये तो हो गया टेली की डेफिनेशन की टेली क्या है। टेली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड एंड यूज बाय मोर देन 20 लाख बिजनेस अक्रॉस 100 कंट्रीज टूडे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके आगे का देखते हैं कि टेली की हिस्ट्री क्या होती है। हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो टेली सोल्यूशन इज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी दैट वॉज को फाउंडेड बाय मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड मिस्टर भारत गोयनका। टेली सोल्यूशन इज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी। ठीक है, टेली सोल्यूशन क्या है, ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। इट वॉज को फाउंडेड बाय मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड मिस्टर भारत गोयनका। ठीक है, टेली कैसे बना, टेली को किसने शुरू किया। सबसे पहला तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि टेली शुरू कहाँ से हुआ। तो टेली को शुरू करने वाले जो टेली के फाउंडर है वो है मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड मिस्टर भारत गोयनका। ये इन्होंने टेली को 1986 में चालू किया था खुद का व्यवसाय चलाने के लिए। और इन्होंने जब खुद का व्यवसाय चालू किया तब इन्होंने टेली को लॉन्च किया। कब किया, 1986 में। और इन्होंने खुद की कंपनी को चलाने के लिए टेली को इनबिल्ट किया। दिस फादर्स एंड डियो कम अप विद दिस सॉफ्टवेयर टू हेल्प मैनेज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन देयर ओन कंपनी एंड देन गिवन इट्स एफिशियंसी लॉन्च फॉर द वर्ल्ड। इतनी मीनिंग हो गई। तो इतना तो आप समझ गए कि टेली क्या है, वो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और इसको किसने लॉन्च किया था, मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड मिस्टर भारत गोयनका। कब चालू किया था इन्होंने इसको, कब इसका निर्माण हुआ था, 1986 में। तो ये तो हो गई हिस्ट्री। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई हिस्ट्री और अब हम जानेंगे कि टेली का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि टेली का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स।
ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता हो, फुल फॉर्म नहीं पता उसका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि टैली का कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, टैली को सीखने के लिए कितना वक्त लगता है। तो जनरली द ड्यूरेशन ऑफ द टैली कोर्स इज 1 to 3 months, ओके। 1 to 3 महीने का वक्त लगता है आपको टैली सीखने के लिए, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से टैली सीख रहे हैं। तो जनरली द ड्यूरेशन ऑफ टैली कोर्स इज 1 to 3 months। अब हम टैली के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें सिलेबस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो पढ़ना इसका पहला लेसन जो आएगा वो आपका, पहला टॉपिक जो आएगा वो आपका होगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, लेजर एंड ग्रुप, टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जनरल एंट्रीज एंड इन्वेंट्रीज, ठीक है। ये तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर इधर हो गए आपके। और फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टॉक समरी, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और पेरोल, ठीक है। इतने जो भी आपके सिलेबस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टैली की क्वालिफिकेशन क्या होती है। टैली की क्वालिफिकेशन 10+2, मेन तो इसका ये होता है कि 10+2, अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तो आप आराम से टैली का कोर्स सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10+2 हैव सम नॉलेज एंड स्किल इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कैन एनरोल फॉर अ टैली कोर्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर वो अगर बिजनेस मैनेजमेंट सीख रहे हो, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो उनके लिए तो टैली सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको तो टैली जल्दी ही समझ में आ जाती है। इससे दिक्कत जो होती है वो आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए होती है, बट कोई बात नहीं, टैली को अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सीखें, यहाँ से अगर आप रोज क्लासेस लेंगे तो फिर आपको टैली सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम आते हैं फीचर्स ऑफ टैली। तो देखिए, फीचर्स तो हर किसी के भी जानने होते हैं, मतलब कि अगर आप एक नया फोन भी ले रहे हैं तो उसके फीचर्स जाने बिना तो आप उसको खरीदेंगे नहीं। तो फिर कोर्स की बात आ गई तो फिर इसमें भी फीचर्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होता है वो बिना जाने तो हम उसको नहीं करेंगे, उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो फीचर्स होते हैं वो पहला है बुक कीपिंग के अंदर आपके आते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बुक कीपिंग के अंदर आपके आते हैं कैश बुक, बैंक बुक, परचेज रजिस्टर और सेल्स रजिस्टर। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी लेखे जोखे आपके होते हैं वो बुक किसी कैश बुक या मतलब ऐसे जो बुक्स होते हैं ना, जैसे हमारे अकाउंट्स बुक होते हैं या फिर बैंक की कॉपी होती है, तो जिसमें पूरे कहते हैं ना कि पूरे एंट्रीज होती है, तो बुक कीपिंग का मतलब वही होता है। और दूसरा है आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आता है आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस एंड कैश फ्लो। चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आता है आपका स्टॉक ट्रैकिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, रीऑर्डरिंग सेल्स और मैनेजिंग रीऑर्डर्स, ओके। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आपका क्या आता है, स्टॉक ट्रैकिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, रिकॉर्डिंग सेल्स और मैनेजिंग रीऑर्डर्स। तो इतनी चीजें आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, इसका नेक्स्ट फीचर है आपका टैक्सेशन एंड कॉम्प्लायंस। टैक्सेशन और कॉम्प्लायंस का मतलब है कि आपने कौन कौन से जीएसटी भरे, मतलब जो भी आजकल की कंपनीज होती हैं, कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, कहाँ टैक्स भरा, कितना खर्चा हुआ, उन सबका मैनेज रिकॉर्ड होता है, तो वो होता है आपका टैक्सेशन एंड कॉम्प्लायंस। इसके अंदर आ जाता है आपका जीएसटी, वीएटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। नेक्स्ट फीचर है आपका, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, वो है आपका पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि कहाँ आपने पैसे दिए, किसको दिए, कब दिए, इन सबका आपने एक लेखा जोखा रखा होता है, तो वो टैली के अंदर पेरोल मैनेजमेंट में ये फीचर मिलेगा। तो पहला आता है आपका एम्प्लॉई सैलरी, पे स्लिप्स, टीएफ, ईएसआई और इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये तो हो गए टैली के फीचर्स। पहला फीचर आपने क्या देखा था, बुक कीपिंग के अंदर कैश बुक, बैंक बुक, परचेज रजिस्टर और सेल्स रजिस्टर आते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके बाद आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस और कैश फ्लो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर स्टॉक ट्रैकिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, रिकॉर्डिंग सेल्स और मैनेजिंग रिकॉर्ड्स।
ये सारी चीजें मैं वापस इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो उसको आप वापस से नोट डाउन कर ले या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था? टैक्सेशन एंड कॉम्प्लायंस। इसके अंदर आपका जीएसटी, वीएटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स आता है। नेक्स्ट था आपका क्या? पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल के अंदर क्या आता है आपका? एम्प्लॉय सैलरी, पे स्लिप्स, पीएफ, ईएसआई और इनकम टैक्स। ठीक है, तो इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली होगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जॉब आपका टेली टेली में टेली कोर्स करने के बाद आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं या फिर आपको आपकी क्या जॉब रोल्स हो सकता है इसमें देख सकते हैं आप। पहला तो आपका है जूनियर अकाउंटिंग, फिर आपका आता है अकाउंटिंग असिस्टेंट, टेली ऑपरेटर, टैक्सेशन असिस्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिट असिस्टेंट, इन्वेंट्री मैनेजर, अकाउंट क्लर्क, पेरोल क्लर्क और टैक्स कंसल्टेंट। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है आपकी टेली सीखने के बाद। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? 10,000 से लगभग 30,000 तक। शुरू में आपकी सैलरी इतनी ही होगी या फिर जो भी कंपनीज में आप रिक्वायर करेंगे या फिर आप जहां का इंटरव्यू देंगे फिर आपको उसी हिसाब से सैलरीज आपको मिलेंगी। तो इतनी बातें आज हमने टैली में जान ली। आज की ये बेसिक नॉलेज आपके लिए इतनी काफी होगी और आगे जब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें नए नए चैप्टर्स को शुरू करेंगे। बाकी तो इसमें इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। आशा करती हूँ कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। आप चैनल को प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और जो भी कमियां हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।